कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फरवरी के अंतिम सप्ताह के बारे में, यानी 22 फरवरी से 28 फरवरी तक का आपका ये वीक कैसा रहेगा। तो ये राशिफल आपका चंद्र राशि पर आधारित है। आप इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि या फिर आपकी जो नाम की राशि है उससे देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 22 और 23 फरवरी की। 22 और 23 फरवरी को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो आपके राशि स्थान से पंचम भाव में रहने वाले। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएगा, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा देगा। संतान को लेकर अच्छे रिजल्ट रहेंगे, आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिलेगी। जिन जातकों का कोई प्रेम संबंध नहीं है उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आपका किसी से भी प्रेम संबंध है तो वो और लंबा चल सकता है। इस दौरान आप अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी संतान को लेकर और ऐसी ही जो अन्य क्रियाएं हैं उनको लेकर चिंतित रहने वाले हैं। तो ये गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आप कुछ नया सीखेंगे, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में विचार करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे। तो आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई नया डिसीजन ले सकते हैं संतान को लेकर या एजुकेशन को लेकर। इसके अलावा ये समय लाभ का भी है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट से जुड़े कार्य करते हैं आपको लाभ हो सकता है, अचानक लाभ मिलेगा। आपको हर कोई इस समय में सहयोग करने के लिए आगे आएगा। तो चंद्रमा का लाभ स्थान को देखना काफ़ी अच्छा है। अगर आप मार्केटिंग करते हैं किसी वस्तु की तो आपके लिए और भी अच्छा साबित हो सकता है। आपके जो चाहने वाले लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको सोशल सर्किल में एक अच्छी नेम फेम मिल सकती है। आप हमेशा लोगों की मदद अगर करते रहते हैं तो अब आपको लोगों की मदद मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग जो बहुत ऊंचे सरकारी पदों पर विराजमान हैं वो आपका इस समय सहयोग जरूर करेंगे। तो इस समय में कोई ऐसी इच्छा जो आपको बहुत लंबे समय से चली आ रही पूरी नहीं हो पा रही वो पूरी हो सकती है। धन से जुड़े सभी कार्य आपके बनेंगे। तो शुरुआत काफ़ी अच्छे से आपके लिए हो रही है इस वीक की। उसके बाद जो 24 और 25 को चंद्रमा की स्थिति रहेगी, चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे, तो ये अपनी ही राशि में आपके सिक्स हाउस में होंगे। चंद्रमा का अपनी ही राशि में होना ये थोड़ी ठीक स्थिति है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, पर कोई पुराना रोग है वो फिर से उभर सकता है, इससे आपको सावधानी रखनी ही होगी। लेकिन ये जो समय है वो कोई ऐसे कार्यस्थल से जुड़े हुए कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा है और रूटीन आपका ठीक ठाक रहेगा, यानी आप अपने रूटीन को मेंटेन रखेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ तो आपका रूटीन भी बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। इस दौरान आपको फॉरेन से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा, आपको नींद अच्छी आएगी और कोई भी प्रकार की अन्य परेशानी नहीं रहने वाली। लेकिन कोई प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद है तो उसको आप शांत रखने की कोशिश करें, उसको आप बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत रह सकती है। और किसी के साथ भी आप अनर्गल में विवाद में ना पड़े। इस दौरान खर्चे थोड़े आपके बढ़ सकते हैं, आप कोई अपनी पसंद की वस्तु अपने घर पर ला सकते हैं, जिससे आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा भी करना पड़ जाएगा। इसके बाद की जो चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है, ये 26 और 27 की स्थिति इनकी सिंह राशि में रहेगी, तो ये आपके सप्तम हाउस में रहेंगे। सप्तम हाउस में इनका गोचर काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, कोई नई पार्टनरशिप कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वक्त काफ़ी अच्छा है, वक्त आपका साथ देगा, आपके लाइफ पार्टनर की पूरी मदद आपको मिलेगी। साथ ही साथ ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैरिड लाइफ में अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वो दूर होगी। इसके साथ ही साथ चंद्रमा आपके राशि स्थान को भी देख रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कोई नया निर्णय लेंगे तो आपका जो निर्णय है वो सही साबित होगा। तो निश्चित रूप से ये गोचर महत्वपूर्ण है और आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और आपके अन्य सभी कार्यों के दृष्टिकोण से भी। ये समय आपको अपने खुद पर ध्यान देने का है, खुद से जो कुछ गलतियां हुई हैं पिछले दिनों में उनको सुधारने का है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देने का है अपने जॉब पर या अपने बिजनेस पर। तो ये वक्त काफ़ी अच्छा है और चंद्रमा का जो एस्पेक्ट रहेगा आपके राशि स्थान पर, उससे चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएंगे। ऐसी स्थिति आपके लाइफ पार्टनर की भी होगी, ज़्यादातर आप इमोशनल रहेंगे अपने बिजनेस को लेकर या अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचकर।
तो इन दोनों ही जो कार्य हैं उनमें आप ज़्यादा फोकस करेंगे और अपने आप पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे। आपकी कल्पना शक्ति चंद्रमा के इस गोचर की वजह से बढ़ेगी, तो दिमाग में काफ़ी विचार उठ सकते हैं। उन विचारों को कैसे कंट्रोल करें ये आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद चंद्रमा यहाँ से आगे बढ़कर अंतिम दिन 28 फरवरी को आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में स्थित होने से आपके लिए इस समय में अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, बचत होगी धन की और परिवार से अच्छा सहयोग मिलेगा। वाणी में काफ़ी मधुरता रहेगी, तो जो लोग आपके साथ खराब व्यवहार करते थे वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। अगर आपका नेचर कुछ ऐसा था कि आप हर किसी को कुछ गलत बोलते थे, तो अब आपके नेचर में सुधार होगा, वाणी में सुधार होगा, जिससे आप उन लोगों के चहेते बन पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। अंतिम दिन काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें जो खराब रिजल्ट कुछ रह सकते हैं वो एक्सीडेंट को लेकर रह सकता है या मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी काम का आप अपने ऊपर बर्डन ले लेंगे जिससे दिक्कत ज़्यादा होगी। इस समय में आपको पैतृक संपत्ति या अपने जो इन-लॉज हैं उनसे बड़ा फायदा कोई हो सकता है धन का। तो ये वक्त काफ़ी अच्छा है और ये जो समय है अंतिम दिन का वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर आपकी जो रुचि है कुछ ऐसे विषय में रहेगी जो अकल्ट से जुड़े हैं, कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ विषय है, या कोई ऐसे डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीय कार्य होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये गोचर रहेगा, काफ़ी लाभ आपको देगा। चंद्रमा के अष्टम में होने से कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके जीवन में अचानक घट सकती हैं जो फ्यूचर में आने वाले समय के लिए कुछ आपको ऐसे रिजल्ट देंगी जिससे आप अचंभित रह जाएंगे। चंद्रमा के अष्टम में गोचर से चंद्रमा सेकेंड हाउस को देख रहे हैं, तो आप अपने खान पान की आदतों में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको मानसिक रूप से कोई भी परेशानी है तो आप ओम शब्द का जप कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये जो पूरा वीक है इसकी अगर बात की जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं शुरुआत से ही, लेकिन बीच में थोड़ी परेशानी जरूर होगी 24 और 25 को। बाकी पूरा जो सप्ताह है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस वीक में आप कितना धन कमा पाते हैं, कितने अन्य कार्य पूर्ण कर पाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत कर पाते हैं। साथ ही साथ जो भी आपके धन से जुड़े मामले हैं उनमें थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहें, और बाहर जब निकलते हैं, वाहन जब चलाते हैं, तो ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं। इसी के साथ देखिए इस वीक में आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 6, और आपके लिए शुभ रंग रहेगा हरा रंग। फिलहाल बस इतना ही।